नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में भारत ने अपने पैर इतनी तेजी से पसारे हैं कि दुनिया हैरान है कि भारत में इतनी तेजी से विकास आखिर कैसे हो रहा है। और फिर स्पेस में भी तो भारत तेजी से नए नए कीर्तिमान हासिल करने के लिए तत्पर तैयार है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देश का सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है। 17 जनवरी को इसरो देश का सबसे ताकतवर संचार उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है GSAT-30। यूरोपियन हेवी रॉकेट Ariane 5 ECA से GSAT-30 17 जनवरी को तड़के 2:35 पर छोड़ा जाएगा, जो की इनसेट सैटेलाइट की जगह काम करेगा। फ्रेंच गुयाना के कोरू लॉन्च एयरबेस से लॉन्च किया जाने वाला GSAT-30 सैटेलाइट का वजन 3,100 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट GSAT सीरीज का बेहद ताकतवर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, जिससे देश की संचार प्रणाली में इजाफा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी मदद से टेलीविजन प्रसारण, सैटेलाइट के जरिए समाचार प्रबंधन, समाज के लिए काम आने वाली जियो स्पेशल सुविधाएं, मौसम संबंधी जानकारी और भविष्यवाणी, और साथ ही आपदाओं की पूर्व सूचना और खोजबीन और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी आसानी हो सकेगी। इस सैटेलाइट की मदद से ये सभी काम पहले के मुकाबले काफी आसान तरीके से किए जा सकेंगे। इसरो के दावे के मुताबिक ये सैटेलाइट लॉन्च होने के अगले 15 साल तक पृथ्वी के ऊपर भारत के लिए काम करता रहेगा। इसे जियो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 2 के पैनल होंगे और बैटरी से इसे लगातार ऊर्जा प्रदान होती रहेगी। और ये कोई पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है जो 17 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, बल्कि इससे पहले GSAT सीरीज की ही 14 और सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, जिनके जरिए देश में संचार व्यवस्था कायम है। अब इसकी जरूरत के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर GSAT-30 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की इसरो ने जरूरत क्यों महसूस की। तो आपको बता दें कि देश का पुराना संचार उपग्रह इनसेट सैटेलाइट को लॉन्च हुए अब कई साल हो चुके हैं। रोज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। भारत में तो इंटरनेट की मानो क्रांति सी आई हुई है, क्योंकि भारत ही वो देश है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, 5G तकनीक पर काम चल रहा है, तो फिर इतने भारी भरकम काम करने के लिए सैटेलाइट भी तो भारी भरकम और देश में हो रहे इन प्रयासों को सफल बनाने वाली होनी चाहिए। इसलिए ऐसे समय में सैटेलाइट के लॉन्च किए जाने की जरूरत को महसूस किया गया और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने में लाभकारी साबित होगा GSAT-30 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अब इंतजार है तो 17 जनवरी का, जिस दिन ये सैटेलाइट लॉन्च होगा और अंतरिक्ष में जाकर अपनी जगह ले लेगा। ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बहुत ही अहम सैटेलाइट साबित होने वाली है।